साथ में उन दो बुरे लोगों को अलग करने के लिए, दोनों में भयंकर जुदाई, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा कराने के लिए और अपने दुश्मन को मजबूत भयंकर सबक सिखाने के लिए, अपने दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए, दुश्मन को तबाह बर्बाद करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको एक आतिशी अमल बताने जा रहा हूँ। ये अमल ऐसा आतिशी अमल है कि इस अमल को आप दोपहर के समय में अपने घर बैठ कर करेंगे और दो बुरे लोगों को अलग कर सकेंगे, दोनों में दुश्मनी भयंकर लड़ाई पैदा कर सकेंगे और अपने दुश्मन को अपने घर बैठे तबाह बर्बाद कर सकेंगे। तो बने रहिए मतलब मेरे साथ आखिर तक वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। बात करते हैं इस अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, इस वीडियो में इस अमल को पेश करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि दो बुरे लोगों को अलग किया जा सके, दो बुरे लोगों के बीच में दुश्मनी, फूट, लड़ाई झगड़ा पैदा करके अलग किया जा सके, सही लोगों के लिए नहीं, और अपने जानी दुश्मन से आप छुटकारा हासिल कर सकें, दुश्मन के षड्यंत्र से, दुश्मन के वार से, उसकी दुश्मनी से आप बच सकें। इस अमल को पेश करने का मकसद हरगिज़ और हरगिज़ नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं और छोटी छोटी बात पे इस अमल को किसी के लिए आप करें। जब किसी लड़के या लड़की का किसी औरत या मर्द का कहीं पे नाजायज संबंध हो जाए, वो बुरी राह चल पड़े, तो उनके नाजायज संबंध को ख़त्म करने के लिए और अपने दुश्मन को, अपने जानी दुश्मन को एक मजबूत सबक सिखा के उससे छुटकारा हासिल करने के लिए ही इस अमल को करने की इजाज़त है। और इस अमल का इस्तेमाल कोई गलत काम के लिए करता है अगर, तो उसको जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि ये वो रूहानी अमल है कि जहाँ पे ये आपको अपने घर बैठे दो लोगों को अलग करने का और अपने दुश्मन को मजबूत सबक सिखाने का पावर देता है, वहीं पे अगर इसको कोई गलत इस्तेमाल करेगा और गलत काम के लिए करेगा तो उसको जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। गलत काम के लिए इस अमल को करने की इजाज़त नहीं है। और अगर कोई किसी का नाजायज संबंध ख़त्म करना चाहता है, किसी लड़के या लड़की का अफेयर ख़त्म करना चाहता है, कोई बीवी अपने शौहर का अफेयर ख़त्म करना चाहती है, कोई शौहर अपने बीवी का अफेयर ख़त्म करना चाहता है, कोई किसी को सुधारना चाहता है, या कोई अपने दुश्मन से बच के अपने जान और अपने माल की हिफाजत करना चाहता है, तो उसके लिए इस अमल को करने की इजाज़त है। और उसके लिए दुआ भी है कि मौला ताला उसको उसके काम में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए और वो घर बैठे इस कारनामे को अंजाम देने में कामयाब हो जाए। कमेंट में आप भी आमीन लिख दीजिए और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट में लिख दीजिए और सलाम का जवाब भी आप कमेंट में दे दिया करें। और जो भी आप चाहते हैं चैनल में इम्प्रूवमेंट के लिए, वीडियोस में इम्प्रूवमेंट के लिए और जिस टॉपिक पे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं उसको आप कमेंट में लिख दीजिए, इंशाल्लाह अज़ीज़ उस पर काम किया जाएगा और आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो इस अमल को करने का तरीका ये है कि मंगलवार से इस अमल को शुरू किया जाएगा। इस आतिशी अमल को करने का जो दिन है ना वो मंगलवार है। मंगलवार को आपने क्या करना है कि दहकते हुए कोयले का, आपने कोयले का इंतज़ाम करना है और साबुत नमक यानी नमक कंकरी वाला नमक का इंतज़ाम करना है। कोयला हो गया और कंकरी वाला नमक हो गया, इन दोनों का इंतज़ाम करके आप अपने घर में कहीं एकांत वाली जगह पे बैठ जाइए। एकांत वाली जगह पे बैठने के बाद में आपने क्या करना है, दहकते हुए कोयले शोले तैयार कर लेना है, अंगार तैयार कर लेना है। जब दहकते हुए कोयले आपके तैयार हो जाएं तो आप इस अमल को यूँ शुरू करें कि जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका काम है, किसी को अलग करना है, दो लोगों में दुश्मनी कराना है, किसी के अफेयर को ख़त्म करना है या अपने दुश्मन को मजबूत सबक सिखाना है, तरीका मैं आगे बता रहा हूँ, उसकी एक मजबूत नियत कीजिए, अपने काम की नियत कीजिए, अपने टारगेट को अपने दिलो दिमाग में रचा लीजिए और बसा लीजिए। अब आपने पूर्ण विश्वास पैदा करना है इस अमल के लिए
पूरे अकीदे के साथ, दिल की गहराई के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, मेहनत से, जी जान लगा के आपने इस अमल को करना है। तरीका ये है कि 7 नमक की कंकरियां जो आपने लिया है और दहके हुए कोयले जो आपने सिलगाए हैं और जो आपने नियत किया है, जो आपने अकीदा और विश्वास इस अमल के लिए पैदा किया है, वो सब आपने करने के बाद में आप अपने स्क्रीन पे जो ये आयत लिखा हुआ देख रहे हैं, आवलम यरल इंसानु अन्ना खलकना मिन नुतफतिन फइज़ा हुआ खसीमुम मुबीन। एक नमक की कंकरी उठाइए और उस कंकरी पर 360 बार 360 टाइम्स आपने इस आयत को पढ़ना है। 360 बार इस आयत को पढ़ने के बाद में आपने फूंक मार देना है, दम कर देना है, और उसके बाद में आपने जो आपका काम है उस काम को कहना है। अगर जुदाई डालना है दो लोगों में तो जिन दो लोगों में जुदाई डालना है उनका नाम, उनकी माँ का नाम, फिर उनका नाम, उनकी माँ का नाम लेना है। जैसे फला बिन फला और फला बिन फला के बीच जुदाई हो, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो, इस तरह कह के 3 बार इस तरह अपने काम को कह के आप फिर से फूंक मारिए नमक की कंकरी पर और आग में डाल दीजिए। इसी तरह 360 बार हर 7 कंकरी पर, हर एक कंकरी पर, 7 कंकरी पर 360 बार इस आयत को पढ़ के दम करके अपने काम को 3 बार कहें और नमक की कंकरी को आग में डाल दें। यहाँ पे एक सावधानी की बात है कि जो आपने दहकता हुआ अंगारा अपने सामने रखा है उसमें आप कुछ पार्टीशन टाइप का रख लीजिए अपने सामने, 1 फीट का या कुछ ऊंचाई का, ताकि जब नमक की कंकरियाँ फटें तो आपको चोट ना पहुँचे, आपको गर्मी ना पहुँचे, आपको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि इस अमल को जब मैंने पहली बार किया था तो नमक की कंकरियाँ जब ब्लास्ट हुई थी, उससे कम ही होती हैं, लेकिन इन केस हो गई तो फिर उसमें जलने का खतरा होता है। इसलिए कुछ आप अपने सामने रख लें और नमक को दहकते हुए शोले अंगारे थोड़ी फासले पर, थोड़ी दूरी पर रखें, तो इस तरह से अमल अच्छे से होगा और आपकी हिफाजत भी रहेगी। और अगर आप अपने दुश्मन के लिए कर रहे हैं इस अमल को तो तरीका वही रहेगा, बस 360 बार पढ़ने के बाद आप अपने दुश्मन के लिए कहेंगे कि फला बिन फला, तबाहु बर्बाद हो, तबाहु बर्बाद हो, तबाहु बर्बाद हो। 3 बार अपने काम को कहना है और फिर से कंकरी पर, नमक की कंकरी पर दम करके आग में फेंक देना है। और इस अमल को मंगलवार से आपने शुरू किया है तो उसी जगह पे, उसी वक्त पे, अपने घर बैठ के रोज़ाना आपने 1 हफ्ते तक इस अमल को जारी रखना है। 1 हफ्ते में आप ऐसे कारनामे को अंजाम देंगे कि जो आप सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए तो क्या बात हो। उस काम को आप अपने घर बैठे अंजाम दे पाएंगे और किसी की ज़िंदगी बचा पाएंगे, समाज में गंदगी फैलने से बचा पाएंगे, अपनी इज्जत को बचा पाएंगे, अपने रुतबे, अपने वक़ार को बचा पाएंगे और किसी की ज़िंदगी बचा पाएंगे, किसी का उजड़ता हुआ घर बचा पाएंगे। इस तरह से इस अमल को करके आप एक बेहतरीन बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हैं कि 2 बुरे लोगों को अलग कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा दोनों में पैदा करके अलग कर सकते हैं और अपने दुश्मन को अपने घर बैठे इस आतिशी अमल के ज़रिए एक मजबूत भयंकर सबक सिखा सकते हैं, उसे तबाह बर्बाद करके दुश्मन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जो लोग कहते हैं कि इस तरह के अमलियात को नहीं बताना चाहिए, मेरे भाई ज़रा रुकिए, गौर कीजिए, मेरी बात को सुनिए। जब 2 बुरे लोगों को अलग करना है, किसी के अफेयर को ख़त्म करना है, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? फिर गलत काम के लिए तो ऐसे अमलियात की इजाज़त भी नहीं है और गलत काम के लिए ऐसे अमलियात को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो नुकसान होता है वो भयंकर होता है। और रही बात दुश्मन को सबक सिखाने की या दुश्मन को सज़ा देने की, तो उसका अधिकार भी हमको और आपको नहीं है। हम आप तो बस ऐसे अमलियात के ज़रिए, ऐसे वज़ाइफ के ज़रिए अपनी बात को, अपनी फरियाद को रब तबारक व तआला की बारगाह में रखते हैं। और जब हम सही होते हैं और हमारा दुश्मन गलत होता है तो रब तबारक व तआला इंसाफ फरमाता है, फिर वो अपने फजल व करम से उस दुश्मन को तबाह बर्बाद करता है, उसे नुकसान पहुँचाता है
और उसके किए की सज़ा उसको रब्बुल आलमीन देता है। इसमें हमारा और आपका कोई रोल नहीं है। हम और आप जैसे आम कामों के लिए, हर काम के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन का हथियार दुआ है। तो दुआ वो हथियार है मोमिन के पास जो तकदीर बदल देती है। तो जब हम ऐसे वज़ाइफ़ को करते हैं, ऐसे अमलियात को करते हैं, और अपनी परेशानी को, अपनी लाचारी को, अपने बाप को, अपने फरियाद को, अपने दुख को, अपने दर्द को अपने बारगाहे माबूदे हकीकी में रखते हैं, तो फिर वहाँ से इंसाफ होता है। और जब वहाँ से इंसाफ होता है तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, फिर एक भयंकर इंसाफ होता है और एक करामाती चमत्कारी इंसाफ होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे अमल नक्श के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।